हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश केशव आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार नई टॉपिक के साथ आया हूं, नए मुद्दे के साथ आया हूं, आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाकर मेरे हर नोटिफिकेशन को पहले देखे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं हर वीडियो को आपके लिए ला रहा हूं, लगातार ला रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो के बनाए गए बेनिफिट्स आपको मिले, इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसलिए सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं, जो कि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिले और हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीज लाता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा बियर्डो की D10। तो फ्रेंड्स, आप ये बियर्डो D10 कैफीन फेस स्क्रब डिटॉक्स रेजुवेनेटिंग देख सकते हैं, जो कि जैसा मैं बताया कि ये बियर्डो कंपनी की है, और ये बियर्डो कंपनी की और इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 350 की है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और इसकी क्वांटिटी की बात करूँ तो ये 100 ग्राम है। इंग्रेडिएंट्स भी इसमें बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे फेस के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसके पीछे भी बियर्डो का लोगो है। तो फ्रेंड्स, आपको आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे तभी मैं इसके सारे रिव्यू कर पाऊंगा, डेमो कर पाऊंगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फिर अपने। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बियर्डो D10 कैफीन फेस स्क्रब के बारे में, जो आपके फेस को डिटॉक्स करेगा, आपके फेस को क्लीन करेगा, नेचुरल कलर फिर से लाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपके ब्लैक हेड्स हैं उसे रिमूव करेगा, टैनिंग है उसे रिमूव करेगा, आपके डेड सेल को रिमूव करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपके फेस का पोर्स क्लोज हो चुका है तो उसे ये ओपन करेगा, तो बिल्कुल ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें तो ही मैं इसकी रिव्यू और डेमो आपको दे पाऊंगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूजफुल और अच्छा D10 है, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। अच्छी बात यह है कि ये ऑल टाइप स्किन है, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन। इंग्रेडिएंट्स में इसमें सेटोस्टेरिल अल्कोहल एस्ट्रिक एसिड है और ग्लिसरीन है, DM वाटर है, कॉफी पाउडर है, स्क्रबिंग बीट्स है जो कि आपके डेड सेल को निकालेंगे, और फ्रेग्रेंस के लिए है LLP, एलमंड ऑयल है, सुगर मिक्स है, कॉफी ऑयल है, प्रोनोपोल है, डी सोडियम एडेटा एंड OH एक्पोल। तो फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स में काफी सारे हैं जो कि हमारे फेस के लिए काफी फायदेमंद है। कॉफी भी हमारे फेस के लिए काफी फायदेमंद होता है, तो इसमें कॉफी पाउडर भी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यूज करने का तरीका मैं बताऊंगा, तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे तो इसके रिव्यू मैं कर पाऊंगा, डिटेलिंग कर पाऊंगा, आपको डेमो दिखा पा सकते हैं। और आफ्टर यूज आप इसे टाइटली क्लोज कर लें ताकि इसके क्रीम में कोई भी अफेक्ट ना पड़े। फ्रेंड्स, तो आप मेरे वीडियो में आगे बने रहिए मेरे साथ, तभी मैं इसकी डिटेलिंग कर पाऊंगा और अच्छे से इसके डेमो और रिव्यू को दिखा पाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके डेमो। यूज करने से पहले सबसे पहले साफ पानी से धो लेना है अपने चेहरे को, उसके बाद इसे आप देख सकते हैं अब बिल्कुल सावधानी पूर्वक इसे निकाले, अपने फेस में यूज करें। तो फ्रेंड्स, फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है लेकिन उतनी भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके क्रीम को, अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूंगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, आप इसे हल्की मात्रा में ले और इसे लगा ले अगर बियर्ड आप रखते हैं तो बियर्ड में आप इसे ना लगाएं, या लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके फेस के टैन को रिमूव कर देगा, ब्लैक हेड्स को हटा देगा एंड आपके क्लोज पोर्स को खोल देगा, जिससे कि आपको पिंपल्स एक्ने अगर आते हैं तो वो बंद हो जाएंगे और आपके फेस को ये नेचुरल कलर प्रोवाइड करेगा, जो कि नेचुरल कलर आपके हैं। और धूप की वजह से या फिर किसी वजह से आपको अगर टैनिंग हुए हैं तो ये बिल्कुल रिमूव कर देगा उसे। आप इसे बिल्कुल गले तक लगाएं।
इसमें आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे स्क्रब आलमंड बीट्स हैं, जो कि आपके डेड सेल को रिमूव करने में सबसे ज़्यादा कारगर होंगे, साबित होंगे। आप जैसा कि स्क्रीन को देख सकते हैं, फ्रेंड्स लगाने के 10 मिनट छोड़ने के बाद आप इसे स्टीमिंग करने की कोशिश करें, स्टीमिंग कर ले, या फिर आपके पास स्टीमर ना हो तो आप गर्म पानी से भी अपने फेस को स्टीम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल सूख चुका है, अब मैं इसे स्टीमिंग करूंगा। फ्रेंड्स जब ये सूख जाए और आप स्टीमिंग कर ले, उसके बाद आपको लेना है डाबर की गुलाबरी गुलाब जल, और इसे आप हाथों में 2 से 4 बूंद लेकर इसे हल्की मात्रा में स्क्रबिंग करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इसे स्क्रबिंग कर रहा हूँ धीरे धीरे। फ्रेंड्स आप इसे साफ सूखे तौलिए से पोंछ ले या फिर धो ले। तो फ्रेंड्स आप मुझे देख सकते हैं, ये यूज करने के बाद D10 बियर्डो की यूज करने के बाद काफी अच्छा ग्लो आ रहा है मेरे फेस में, और नेचुरल कलर भी है, और मुझे काफी रिफ्रेशमेंट फील हो रही है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आकर बताएं, और इससे जुड़ी किसी भी कंफ्यूजन और क्वेश्चन को अपने मन में ना रखें, बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सबके आंसर देने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन दबाकर मेरे हर नोटिफिकेशन को पहले देखें। और फ्रेंड्स मैं ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप इस D10 बियर्डो D10 स्क्रब को परचेज करना चाहते हैं तो ये ऑफलाइन भी मिलती है और ऑनलाइन भी मिलती है, और सेम रेट पर आपको फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, स्नैपडील में, ऐसी ऑनलाइन साइट्स में मिल जाएंगी। और ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। इसकी प्राइस मैं पहले बता चुका हूँ, 350 की है ये, और काफी यूजफुल है।